देश में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए गृह मंत्रालय की सलाह पर रेलवे ने सोमवार को एक नई SOP जारी की है। इसके अनुसार अब रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों को ट्रेन और रेलवे परिसर में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दरअसल पिछले दिनों कोरोना के मामले कम होने पर यह अनिवार्यता हटा दी गई थी। इस पत्र में यात्रियों को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल को पालन करने की अनुशंसा की गई है। रेल यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की फिर वापसी हो रही है। भारतीय रेलवे ने देश में एक बार फिर से अपने पैर पसार रही कोरोना महामारी के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए ट्रेन में सफर के दौरान मास्क लगाना एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक पैसेंजर नीरज शर्मा ने सभी जोन की चीफ कमर्शियल मैनेजर को पत्र भेजकर बोर्ड के निर्देश से अवगत कराया। इस पत्र में कहा गया है कि ट्रेन में सफर के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। इस आदेश के जारी होने के बाद भारतीय रेलवे ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड को लेकर जो SOP 22 मार्च को जारी की थी उसका पालन किया जाए। पत्र में आगे लिखा था कि अगर कोई यात्री अपनी यात्रा के दौरान कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करता पाया जाता है या बिना मास्क लगाए हुए यात्रा करता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। इससे पहले जब देश में कोरोना की तीसरी लहर थी तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और धीरे धीरे कोरोना के मामले घटते चले गए, जिसके बाद रेलवे ने मास्क की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। रेलवे के इस फैसले के बाद से ही रेल यात्री बिना मास्क के ट्रेन में सफर करने लगे थे। वहीं मास्क के अलावा रेलवे में पहले की तरह पैनेट्री और बैडिंग देने की भी निर्णय लिया था। पर अब देश में कोरोना की फिर से बढ़ती रफ्तार की वजह से रेलवे फिर से कोविड प्रोटोकॉल की ओर बढ़ रहा है। इसी क्रम में मास्क पहनकर यात्रा करना फिर से अनिवार्य कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।